हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें ये गिवन दिया हुआ है, जो पी क्यू पी आर है ये टेंजेंट है, और जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है। क्यू पी आर ये 90 डिग्री है, और लेंथ ऑफ पी क्यू ये हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये भी रेडियस है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ये टेंजेंट और ये रेडियस है, तो हम जानते हैं जो टेंजेंट और रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है आपस में। तो टेंजेंट और रेडियस ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर इसी तरीके से अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर से ये 90 डिग्री है जो हमको गिवन है पहले से। तो अगर ये तीन एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये फोर्थ ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का आ जाएगा। तो क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं, तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। और अगर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो अगर ये 4 है ये 4 है, तो ये दोनों भी 4-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो जो PQ का लेंथ है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर है, ये इसका लेंथ होगा। तो इसीलिए लेंथ ऑफ PQ 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।